ऐसा ये भी बताओ ना कि शटल कैसे किया कैसे किया और फिर ये बोलते हैं कि अगर आपने मीडिया टॉक की तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं साहब और ये सादा कागजों पे दो कागजों पे मुझे साइन कराए हुए हैं सर। कपड़े पहन के बात करें आपकी हमने वीडियो बनाना की साथ में बनाई थी, आप किसी से ज्यादा कर रहे थे तो इसलिए हमने आपकी वीडियो बनाई, आपको माफ किया है क्योंकि कोई ऐसा वजूद ही नहीं, ना कोई उसमें लड़की ना कोई लड़का और कोई ऐसा वजूद भी नहीं उसमें। तो दूसरा मेरा तो उन्होंने बोला कि आप बड़े ये हाथ सस्ते कराते हैं, आपको क्या इसमें लगे, आप मुल्की ये जो है मसले पे हर दफ़ा करते आपकी बात क्या है। तो मैंने कहा भी मेरी तो कोई बात नहीं, मैं ना किसी सियासी जमात से बसता हूँ, बस मेरी एक मजहबी जमात है मजहबी जमीयत अहले पाकिस्तान, उसके साथ मुझे पूरे मुल्क में स्पीच करता हूँ। बल्कि मुझे ये दो दिन पहले मैं पंजाब कल्चर डे में भी आया, मुझे कोई भी बुलाता मैं वहाँ जाता, तो मेरी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं इधारों के लिए रोजाना दुआएँ कराता हूँ, मेरी स्पीच दुआएँ पूरे मुल्क के इधारों के लिए, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से और वज़ीर आला पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब साहब से मेरी अपील है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार से ये सारी जो शिदत किया है ये अपील है कि मुझे इंसाफ कराया जाए और मेरी जान माल का तहफ़ दिया जाए मेरे घर बार का, और मुझे जो है सरकारी सपोर्टी भी दी जाए, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जो मैंने मीडिया के सामने रखा है ये लोग ने दिया। बाद में इंशाल्लाह मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है वो पैरों के साथ किया गया है, डंडों के साथ, सोटों के साथ? और जी मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो रस्से पहले बांधे गए मुझे, फिर उसके बाद वो पैर और सोटियाँ और उनके पास छड़ियाँ थी और गन्ने पे बट मारते हैं, जो नाली होती है उसकी आगे नाली होती है ना वो भी मारते हैं। आप देख रहे थे कि आपकी आंखें बांधी हुई थी? नहीं, जब वो मुझे मार रहे थे तो देख रहा, जब वीडियो बनाई तभी उन्होंने मुझे जो है ना इस तरह खड़ा किया और जो एक वीडियो बनाता था। बद्री साहब ओरिजिनल स्टोरी क्या है, ये तो सारा वाक्य होकर जो आपके साथ हुआ है, इतना तशद्दुद हुआ, इतनी मारपीट हुई, कुछ ना कुछ तो पीछे आपके लम्बे भी होगा? ये नहीं है, मेरे लम्बे यही है कि मैं जो कोरोना वायरस पे एक क्लिप बनाया था कि फूकों जो है ना मारते हैं तो आप ही मारे फूके कोरोना पे भी, तो उनके कुछ जाने वाले लोगों ने मुझे जो है ना कोरोना के जाने वाले लोगों नहीं कोरोना वायरस पे जो फूके मारते हैं मुल्क में अक्सर लोग फूकों से इलाज करते हैं ना, फूकों से इलाज करते हैं अक्सर लोग, कि मैंने कहा भी आप पकड़ है कि आप इसमें भी जो है ना फूके लगाएं। दूसरा मेरा वो हाथ पे क्लिप पर वायरल था, उस पर मुझे बड़ी गालियाँ बड़ा कुछ मेरे चैनल पर मेरे कमेंट्स
तो मैंने कभी एक्शन नहीं लिया, मैं तो अपने चाहने वालों के बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूँ। परसों पंजाब कल्चर डे में आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी मेरे साथ। मैंने एक दरख्वास्त भी दी होगी सिविल सेक्रेटरीट में, तो वो मेरे पास मौजूद है उनके कार्ड, उनको मैंने बोला कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं। जी मैं दरख्वास्त जी अभी अभी मैंने आई टी ऑफिसर जो है दरख्वास्त, और मैंने जाकर एफ आई ए में सारे तफसीली जो है ना बात कर। आपका जो वो बड़ा अमूमी सा है जी, क्या आपका ये जो स्टाइल है, क्या उस वजह से लोग तो आपसे ज़्यादा नफरत नहीं कर रहे? जो नफरत कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, कहीं उन्होंने आपको मना किया है कि आपने इस स्टाइल को थोड़ा सा बदले? जी मुझे बड़ी धमकियाँ आती हैं कि आप ऐसे लाइव मूड से बात करते हैं। मैंने उनको बोला कि मैंने बोला कि मैं सॉफ्टवेयर पेश कर सकता हूँ कि सारी उम्र रात आपकी बात में हंसी मजाक कर जाते हैं, मजाक से बात समझा जाते हैं मजाक। तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं करता, मेरी अगर किसी को बात चुपती है तो उनको नहीं, मेरे चाहने वाले मेरे जो चाहने वाले वो मेरी बात लाइक करते हैं। सब पहले आपका जो शक है वो इस बात पे कंफर्म हो रहा है कि जो खूबसा जो उस पर आपने कहा है कि कोरोना की वजह से आपने किया है, इससे पहले जो है ना वो एक दफा आई थी जब मेरा जीरो पे हाथ का क्लिप चला। हाँ जी जी मुझे रात जब होटल से गया हूँ तो मुझे तकरीबन 10 बजे से तकरीबन लाहौर पहुँचते हमें फजर हो सकता। अलावा साहब दीगर उलमा किधर है, वो आपके सपोर्ट में किधर है? जी मैंने अभी किसी से रब्ता नहीं किया, मैं जो है ना इसलिए डायरेक्ट मीडिया के पास आया हूँ क्योंकि मैं किसी भी जमात के प्लेटफार्म पे जो बात करता हूँ ना वो किसी को सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई आदमी कहे खाली मेरे प्लेटफार्म को सपोर्ट करे तो अभी मैं इंशाल्लाह अपने उलमा इकराम से राबते में होऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।